हाय फ्रेंड्स, आज हम डबल कॉर्ड से एक सुंदर सा बीडेड फ्लावर वाज बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे क्रीम कलर का कॉर्ड लिया है, 2 मीटर के हिसाब से कट करके लिया है फ्रेंड्स, और एक प्लास्टिक का रिंग लिया है और कुछ रेड कलर का बीड्स लिया है, सीजर और लाइटर, और एक टिन लिया है फ्रेंड्स, घी का डब्बा है ये। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे किसी भी शेप का किसी भी साइज़ का टिन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके मुँह के साइज़ का ही आपको रिंग लेना है। कॉर्ड को पहले हाफ फोल्ड में लेना है और रिंग पे ऐसे फिक्स करना है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 2 मीटर के हिसाब से कॉर्ड को कट करके लिया है। कॉर्ड खत्म होते ही वहाँ पे जॉइंट करके लेना है फ्रेंड्स। कॉर्ड को फिक्स करने के बाद अब यहाँ पे बीड्स डालना है फ्रेंड्स, लेकिन बीड्स डालने से पहले मैं कॉर्ड को थोड़ा जला के ले रही हूँ, बीड्स डालने में आसान हो जाएगा। बीड्स डालने के बाद अब यहाँ पे रैप करना है। देख लीजिए फ्रेंड्स, ऊपर से नीचे की तरफ लेना है कॉर्ड को, अंदर की तरफ से। अब यहाँ पे और एक बार सिंपल सा रैप करना है बिना बीड्स के। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि जो बाकी का मटेरियल है मैं उसे एंड में बता दूंगी। अब यहाँ पे फिर से बीड्स डालना है। और सेम रैपिंग कंटिन्यू करना है, एक बार बीड्स डालना है फ्रेंड्स और एक बार सिंपल सा रैप करना है। ऐसे ही एक राउंड पूरा कंप्लीट करना है फ्रेंड्स, एक बार बीड्स डाल के रैप करना है और एक बार सिंपल सा रैप करना है। मेरा यहाँ पे एक राउंड रैपिंग कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। अब जो है बीड्स यहाँ पे डाला था वहाँ पे गैप छोड़ देना है और नेक्स्ट गैप में बीड्स डालकर कॉर्ड को रैप करना है। देख लीजिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट गैप में डालना है जहाँ पे हमने सिंपल सा ऐसे ही बिना बीड्स के रैप किया था, वही उसके नीचे जो गैप दिखाई देगा वहीं पर कॉर्ड को अंदर से लेना है। अब यहाँ पे हर बार बीड्स डालकर ही रैप करना है फ्रेंड्स, याद रखिए, यहाँ पे बिना बीड्स के रैप नहीं करना है, हर बार बीड्स डालकर एक गैप को छोड़कर और एक गैप में रैप करना है। टिन जितना बड़ा है उतना वहाँ तक आपको सेम रैपिंग कंटिन्यू करना है फ्रेंड्स, जितना राउंड होगा उतना राउंड आपको करना है ऐसे ही। सेकेंड राउंड कंप्लीट होने के बाद थर्ड राउंड से ही 2 गैप नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, जहाँ पे बीड्स डाला था वहीं पे कॉर्ड को ऐसे अंदर डालना है फ्रेंड्स। देख लीजिए, ऐसे ही कंटिन्यू करना है। मेरा यहाँ पे बीड्स डाल के रैपिंग कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे बिना बीड्स के रैपिंग करना है, हाफ राउंड यानी आधा होने तक आपको रैपिंग करना है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे टिन को अंदर डालना है, देख लीजिए
ऐसे टिन को अंदर डाल के सेम रैपिंग जैसे बिना बीड्स के रैप किया था वैसे ही रैपिंग कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे टाइट से रैप करना है फ्रेंड्स, क्योंकि टिन वहाँ पे ठीक से बैठ जाए। ऐसे ही 2-3 राउंड रैप करते जाना है फ्रेंड्स। मेरा यहाँ पे रैपिंग कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। अब मैं यहाँ पे एक मोटा सा बैंगल ले रही हूँ फ्रेंड्स। मैं यहाँ पे स्टैंड के बदले यहाँ पे मोटा सा बैंगल यूज़ कर रही हूँ। आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने देखा होगा कि मैंने हमेशा मेटल का स्टैंड यूज़ किया है। वहाँ पर आप बैंगल यूज़ कर सकते हैं ऐसे ही मोटा वाला। देख लीजिए फ्रेंड्स, ऐसे ही बैंगल पर रैप करना है। एक गैप में 2 बार कॉर्ड को लेना है फ्रेंड्स, क्योंकि बैंगल जो है पूरा कवर होना है, इसलिए हमें एक गैप में 2 बार रैप करना है। 2 बार कॉर्ड को लेना है और रैप करना है फ्रेंड्स। अगर आप मकरमे में इंटरेस्ट रखते हैं तो मुझे आप फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, मकरमे आर्ट बाय एसएन हेगड़े नाम से। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही नया नया वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। आप इससे और भी नया नया मकरमे आइटम बना सकते हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में ज़रूर जाके देखिए फ्रेंड्स, आपको वहाँ पे नया नया फ्लावर वॉज मिल जाएगा, उसे आप बना के देखिए। ऐसे ही पूरे बैंगल कंप्लीट होने तक रैपिंग कंटिन्यू करना है फ्रेंड्स, एक राउंड। मेरा यहाँ पे रैपिंग जो है कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। अब जो बचा हुआ कॉर्ड है उसे कट कर देना है फ्रेंड्स। कॉर्ड को जलाकर वहीं पे अंदर की तरफ से लगा देना है। मेरा यहाँ पे सुंदर सा बीडेड फ्लावर वॉस रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। ज़रूर लाइक बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।